एक बात की श्योरिटी देता हूं कि आज के बाद एब्स्ट्रैक्शन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कमिंग टू द पॉइंट, एब्स्ट्रैक्शन है क्या? इट्स अ जावा मैकेनिज्म वेयर यू हाइड द इंप्लीमेंटेशन एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी। अब आप बोलोगे कि ऐसी डेफिनेशंस तो मैंने बहुत सारी बुक्स में टीचर्स से कॉलेज से पढ़ी है, लेकिन अभी तक मेरा एब्स्ट्रैक्शन क्लियर नहीं है, या फिर मुझे याद रहता है और मैं जस्ट भूल जाता हूँ। तो अब आप ये याद रखिए कि जब भी आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। और यही नहीं, आपने जितनी भी डेफिनेशंस अपनी क्लासेस कॉलेज टीचर्स बुक से पढ़ी हैं, मैं वो सब आपको अपनी इस क्लास से लिंक करा के दिखाऊंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आप अपने आसपास की इन सड़कों को देखो तो इनका निर्माण कैसे शुरू हुआ होगा? कभी बड़े बड़े मंत्री जी ने विकास के वादे किए होंगे, तो मान के चलो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम हर क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करेंगे, और उन्होंने ये आदेश जारी किया होगा स्टेट के सभी छोटे छोटे मंत्रियों तक। अब जैसे पीएम का ऑर्डर उस मंत्री के पास आया होगा कि एक रोड प्रॉमिस है, और फिर उसने कॉल की होगी कॉन्ट्रैक्टर्स को, कॉन्ट्रैक्टर इस ऑर्डर को लेके फिर कॉल करता होगा अपने सुपरवाइजर को, मटेरियल्स बुलाता होगा, लेबर्स बुलाता होगा, मशीन्स बुलाता होगा, और वो अपना निर्माण शुरू कर देता होगा, और इस तरह से ये रोड बनके तैयार हो जाता है। अगर आप इस पूरी की पूरी कहानी को समझो तो इसमें एक इस प्रकार की हायरार्की तैयार हो गई। हायरार्की को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से ये क्या चल रहा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते जा रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट में हम ये देखते जा रहे हैं कि हर बार एक जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसके एक नीचे वाली लेयर में जो भी इम्प्लीमेंटेशन लेयर हो रही है उससे ऊपर वाली लेयर को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा सड़क बनवाओ, कैसे बनेगी, क्या कहाँ से बनेगी, उसे कोई लेन देन नहीं। फिर मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाओ, मंत्री को ये टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सी मशीन्स आएंगी, कहाँ से लेबर आएगी, ये नहीं, उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने एक फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि सुपरवाइजर को बुलाओ, रोड निर्माण शुरू करवाओ, ये जो भी रोड कंस्ट्रक्शन है शुरू करवाओ, और वो एक्चुअल काम चालू होने लग गया। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर पे आप बस जो अंतर है वो यही है कि फाइनल एक ऑर्डर था कि रोड प्रॉमिस, और रोड बन चुके हैं। अब देखो ये तो हो गई एब्स्ट्रैक्शन की कंप्लीट अंडरस्टैंड, लेकिन इंटरव्यू में ये चीज कैसे शुरू होती है और आपको कैसे जवाब देना है मैं वो बताता हूँ। जैसे कि वो पूछ सकता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन और हाउ डू यू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस, या फिर वो आपसे बोल सकता है कि कैन यू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामेटिकली। जब भी वो पूछे कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, देन यू कैन से कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वी हाइड द इंप्लीमेंटेशन एंड वी शो द फंक्शनैलिटी, एंड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। फिर क्वेश्चन आता है कि अब ये दो चीज क्यों दे रखी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी दे रखा है और इंटरफेस भी दे रखा है, अगर हम दोनों से ही अचीव कर सकते हैं तो कब कौन सा यूज करना है और कब कौन सा यूज नहीं करना है, और फिर ये दोनों ही क्यों दिए, एक क्यों नहीं दिया। इन दोनों के बीच डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले हम अपने पुराने क्वेश्चन को कवर करते हैं कि अगर वो पूछता है कि कैन यू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामेटिकली, तो प्रोग्रामेटिकली ऐसा रहेगा, सबसे पहले आप वो हायरार्की अपने दिमाग में रख लो। मैंने कहा हर क्वेश्चन का आंसर वही, तो जैसा मैंने बताया था कि इमेजिन करो सबसे पहले हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, तो हमने एक इंटरफेस मान लिया कि इंटरफेस एक पीएम है और उन्होंने कुछ ऐसा रोड प्रॉमिस किया हुआ। अब ये रोड प्रॉमिस हो गया तो उन्होंने ये ऑर्डर सीएम को पास किया, तो एक सीएम ने इंटरफेस बनाया और एक्सटेंड कर लिया प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को, तो ये जो रोड प्रॉमिस है बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया। जैसा कि मैंने इनहेरिटेंस की वीडियो में आपको बताया है, ये प्रॉपर्टीज एक्वायर हो जाती हैं चाइल्ड को। फर्दर एक कॉल दी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाने के लिए कि कॉल दी कॉन्ट्रैक्टर्स, अब कॉन्ट्रैक्टर आए तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, सीएम के ऑर्डर लिए, सीएम ने पीएम के ऑर्डर लिए थे, तो अब कॉन्ट्रैक्टर के पास ये दोनों ऑर्डर आ चुके हैं, रोड प्रॉमिस है और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, इसका क्या काम है, इसको मटेरियल बनाना है, इसको लेबर लानी है, इसको मशीन्स चाहिए, सुपरवाइजर बुलाने हैं, वो आगे चल के कहीं रोड कंस्ट्रक्शन ने इस कॉन्ट्रैक्टर को लिया होगा और ये सारे के सारे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन चला दी होगी, तो इससे एंड में क्या हुआ कि एक रोड बन रिलेटेड। अब आते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे जब आपको बताया था कि आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस यूज करके अचीव कर सकते हैं, और उसका क्वेश्चन हो सकता है कि ये दो क्यों दिए हैं, किसी एक से भी काम चल सकता था, और हमको कब पता लगेगा कि क्या यूज करना है। तो आप बोलोगे कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, इसलिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन इंटरफेस ले सकते हैं, ये एक एडवांटेज हो गया इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। दूसरा वो बोलेगा कि अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब लें और इंटरफेस कब ना लें, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखनी हो, यानी आज की डेट में जावा 8 के बाद अब हम दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में
इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अब एडवांटेज ये है कि मान के चलो आपको कोई प्राइवेट कंक्रीट मेथड यानी कोई प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन देनी हो तो वो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू दे सकते हैं, इंटरफेस में अभी तक वो नहीं, और यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो जाता है।